गुरुवार को रात्रि 12:57 पर होलिका दहन किया गया। आपको बता दें कि होली से पहले परंपरागत तरीके से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग होलिका जलाकर अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं तथा होली की रात हनुमान जी की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। इसके साथ ही होलिका दहन का मुहूर्त सामग्री और पूजा विधि पूर्वक मनाया जाता है तथा नरसिंह भगवान को भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना गया है। होलिका दहन के दौरान भगवान नरसिंह की पूजा विधि विधान से किया जाता है। इस दिन होलिका जलाने के साथ लोग अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, शांति और बेहतर जीवन के लिए पूजा करते हैं। सनातन धर्म में होलिका दहन बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है तथा हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी और नरसिंह भगवान का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, जिसके संबंध में स्थानीय नागरिक धीरेन्द्र जायसवाल ने बताया कि प्रहलाद अपनी बुआ होलिका के साथ आग के सैया पर बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान नरसिंह की कृपा से वह बच गए, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के बहुत बड़े भक्त थे। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक एवं पूर्व पार्षद धीरेन्द्र जायसवाल ने कहा, धीरेन्द्र कुमार जायसवाल मेरा नाम है, पूर्व पार्षद हूँ यहाँ का। देखिए, ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है, सनातन परंपरा है और पौराणिक महत्व भी इसका है और वैज्ञानिक महत्व भी है। पौराणिक महत्व यह है कि जैसे भक्त प्रहलाद अपने बुआ की गोदी में बैठे थे, होलिका उनका नाम था और भक्त प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई, तो बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। और इसका एक वैज्ञानिक महत्व यह है कि मौसम की संधि है, ठंडक खत्म होती है, गर्मी शुरू होता है और जगह जगह आग जलने से वातावरण शुद्ध होता है, तो ये इसका दोनों महत्व हो गया। हमारे यहाँ जो होलिका दहन है लगभग 1960 से चल रहा है, हम लोगों के बुजुर्गों द्वारा शुरू किया गया था और वह परंपरा कायम है। मोहल्ले के सारे लोग, युवा बुजुर्ग, हम लोग मिल करके घर घर जा करके लकड़ी की वसूली करते हैं, पैसे की वसूली करते हैं और एक सब लोग मिल करके हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। होलिका दहन होता है यहाँ और कल जो है जब होली मनाई जाएगी तो ड्रम में रंग घोला जाता है, सारे बच्चे सारे लोग एक साथ होली मनाते हैं और यहीं सब लोग निकल के पूज्य महाराज जी के रंग भरी जो जलूस है उसमें जाते हैं। इस तरह से हम लोग होली मनाते हैं। बहुत तूफान कोरोना काल था, उस काल में और इस होली में क्या अंतर? बहुत अंतर है। दो साल बीता है, हम लोग बहुत ही कोरोना प्रोटोकॉल के चलते बहुत सीमित, एक तरह से मान लीजिए कि फॉर्मेलिटी हम लोग करते थे, औपचारिकता करते थे, थोड़ा सा होली जला के आपस में रंग अबीर लगा के अपने अपने घरों में ही होली मनाए। लेकिन इस बार भगवान की दया है कि कोरोना समाप्त हो चुका है लगभग और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस साल होली हम लोग मना रहे हैं और कल इस तरह से जुलूस में हम लोग शामिल होंगे।